कितने आप अच्छे होंगे। आज मेरे साथ एक बहुत प्यारा सा बेबी है और ये साइबेरियन हस्की है, लड़की है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका नाम बहुत प्यारा है, नाम है लाडो। आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके अगर फर बेबी के, चाहे वो छोटा बेबी है चाहे वो बड़ा डॉग है, अगर उसके बाल चिपकना शुरू हो जाते हैं, मीन्स स्किन के साथ स्टिकी हो जाते हैं, स्टार्ची से हो जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या उसे घर में थोड़ा बहुत ट्रीट कर सकते हैं या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले तो आपको उसे वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल या किसी वजह से आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में सारी डिटेल बताने वाला हूँ। मैं बादल भंडारी हूँ और पिछले 27 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूँ और प्राउडली मैं बिहेवियरिस्ट हूँ। हाय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मेरे साथ एक बहुत प्यारा सा बच्चा है और ये जनाब साइबेरियन हस्की हीरोइन है, और खास बात ये है कि ये बहुत वीक और कमज़ोर थी, लेकिन अब ये बेटर है पहले से, लेकिन इसके ज़ख्म होना शुरू हो गए हैं। अगर आप ये देखेंगे तो ये ज़ख्म होना शुरू हो गए हैं। क्यों हो रहे हैं, देखिए इसके यहाँ पे बाल चिपक रहे हैं, सारे के सारे बॉडी के बाल चिपक रहे हैं। नए ऑनर के लिए ये बहुत बड़ा इशू होता है, पता नहीं होता एक्चुअली कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये प्रॉब्लम सिर्फ वहीं पे नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए एल्बो के भी बाल चिपक रहे हैं, यहाँ पे भी चिपक रहे हैं, ये टेल के पास भी ज़ख्म हो रहे हैं, पीठ पे भी हो रहे हैं। तो एक्चुअली अगर आपके घर में, अगर आप नया फर बेबी लेके आए हैं, तो आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो मस्ट है कि आप अपने वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाएं। लेकिन अगर इन केस आपके पास में वेटनरी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है किसी भी वजह से, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ देखो क्लोज में, ये जैसे ये बाल चिपक गए हैं, अक्सर बच्चों के ना बाल चिपक जाते हैं यहाँ पे, और इसको रिमूव करना पड़ता है। अगर हम इसको सोचेंगे कि खींच के निकाल दें, तो इट विल बी रियली पेनफुल फॉर योर फर बेबी। इसको ट्रीट करना पड़ेगा प्रॉपरली। मैंने थोड़ा सा कॉटन रखा है, इसको कॉटन से डिप करके इसको सॉफ्ट करना है पहले, राइट। इसे पहले, ये देखिए मैंने पानी लिया है साफ़ बर्तन में, इसमें थोड़ा सा सेवलॉन डाला है। ख्याल रखना है डॉग को डिटॉल नहीं लगाते, सेवलॉन लगा सकते हो, स्पिरिट लगा सकते हो, हाइड्रोजन लगा सकते हो। हाइड्रोजन लगाने से भी ये बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है। इसको हमने सॉफ्टली हल्के हाथ से रब कर लिया, राइट, इसको हमने हल्के हाथ से रब कर लिया, ताकि वो जो ज़ख्म पे जो बाल चिपके हुए हैं वो थोड़े से लूज़ हो जाए वहाँ से। अगर ज़ख्म होगा, पस की फॉर्मेशन होगी, तभी बाल चिपकेंगे, वरना बाल चिपकने वाला कोई भी सीन नहीं है। ये आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अब इसे क्लीन करने के लिए ऑफ कोर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ सेफेस्ट ट्रिमर, क्योंकि रेज़र वगैरह के साथ में कई बार होता है कट लग जाता है। ये देखिए, ये पास से दिखा रहे हैं आप। अब ये देखिए इसमें नीचे कितनी पस फॉर्मेशन है, ये देखिए ट्रिमर पे पूरी पस फॉर्मेशन आ रही है। और इस सिचुएशन में अगर हम इसे नहीं क्लीन करेंगे, अगर हम सोचेंगे कि नहीं यार अच्छा है खुद ही सूख जाएगा या कुछ भी, तो बात नहीं बनेगी। इसे आपको क्लीन ही करना पड़ेगा 100%। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आपको एंटीबायोटिक भी देना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है एंटीबायोटिक का, मैं नहीं बोल सकता हूँ, वो डिपेंड करता है आपके बच्चे की ग्रोथ कितनी है, उसकी ब्रीड क्या है, उसका बॉडी वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंगली वो सब चीज़ चलेगी। इसकी देखिए कितना अच्छा ये क्लीन हो गया यहाँ पे, लेकिन पस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रखी है। ये सारे का सारा अच्छे से इसको क्लीन करना पड़ेगा। अगर हम इसे और नीचे क्लीन रखना पड़ेगा, इसके बाद में इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, हम इसे मिट्टी वाली जगह पर ना रखें। अगर ये गंदे सरफेस पे जाएगी, यहाँ पे मिट्टी लगेगी, तो इन्फेक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इसके साथ में आप कुछ एंटी एलर्जिक वगैरह भी दे सकते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम फैले नहीं। इस बच्चे की बॉडी पे 6 से 7 ज़ख्म हो गए हैं ऑलरेडी, और जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। अगर आपका बच्चा फिट होगा, नीट एंड क्लीन होगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ईजी है, उतना ही ज़्यादा आपके बच्चे के लिए अच्छा है कि उसकी ग्रोथ आएगी। क्योंकि ये देखिए, ये मैंने इसको क्लीन कर दिया। अब इस पर अगर अप्लाई करने के लिए आप सोचेंगे कि बादल भैया इस पर अप्लाई किया क्या किया जा सकता है, तो आप इस पर बीटाडेन ऑइंटमेंट, बीटाडेन लिक्विड आता है, उससे इसकी टचिंग कर सकते हैं। दिन में कम से कम 3 टाइम इसकी टचिंग करनी चाहिए यहाँ पे। अगर हम ऑइंटमेंट लगाएंगे तो वो स्टार्ची सी रहेगी, चिपचिपी रहेगी, और इसके जो बाल हैं आसपास के, वो वहाँ पे जख्म पे चिपकना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इसे ट्रिमर से आसपास से भी क्लीन कर दिया है, राइट। अब ये देखिए, ये वाले जो बाल हल्के से हैं, अगर आपके पास ट्रिमर नहीं है तो यू कैन यूज सीजर। हर चीज़ का एक काम करने का एक स्टेप है, एक प्रॉपर वे है।
अगर हम इसे सीधा ट्रिमर से करने की कोशिश करेंगे क्लीन या सीजर से तो ये इजीली नहीं होगा, उसको पहले सॉफ्ट करना कॉटन और सेवलॉन के साथ में मिक्स करके सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए इसकी पीठ पे भी ये जैसे ज़ख्म बनना शुरू हुए थे लेकिन वो बाल मैंने निकाल दिए, ये बाल दोबारा आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए सारे रेडनेस हो गई है टेल के आसपास, यहाँ पे भी इसके ज़ख्म बनना शुरू हुए थे लेकिन ये बच्चा बेटर हो गया, इसकी किस्मत अच्छी थी। अब इसकी शोल्डर वाली पॉइंट पे भी सेम सिचुएशन हो रखी है, तो मुझे क्या करना है, अगेन वही चीज़ करनी है। अगर मैं टच करके देख रहा हूँ ना, बड़ा हार्ड सरफेस फील हो रहा है, बहुत हार्ड फील हो रहा है, लेकिन अगर हम सोचेंगे इसको रिमूव नहीं करेंगे और ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होने वाला। ये उन दोस्तों के लिए मैं बता रहा हूँ, सीधा मुद्दे की बात कर रहा हूँ, जिनके पास में नए फेयर बेबीज हैं या पुराने डॉग्स भी हैं लेकिन उसके बाल चिपक गए हैं किसी वजह से, तो आपको बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का ख्याल रखना। और क्योंकि बेजुबान जो बच्चे हैं हमारे, खुद से अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, मुंह से बोल नहीं सकते मामा पापा हमें क्या फीलिंग आ रही है, क्या दर्द है या नहीं, को भी मैंने सॉफ्ट कर दिया है। सॉफ्ट करने के बाद में इसको मैं ट्रिमर से अगेन क्लीन कर रहा हूँ। ट्रीटमेंट जो है खुद से नहीं करना चाहिए, पंगा नहीं लेना चाहिए, वेटनरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यह मैं उन दोस्तों को बता रहा हूँ, उन दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनके पास में किसी वजह से डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और उनका डॉग प्रॉब्लम में है, तो वो क्या करें, राइट। ये मैंने इधर के बाल भी सॉफ्ट करने के बाद में क्लीन कर दिए। अब नीचे देखिए फिर से इसके पस बन रही है, ये देखिए फिर से पस बन रही है, ये सारे के सारा पस फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो इसे फिर से मेरे को क्या करना है, अभी इसे अगेन क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में ड्राई कॉटन से इसे क्लीन कर दीजिए और कोशिश कीजिए जितना सूखा रहेगा आपका बच्चा, जितना ड्राई रहेगा उतनी ही बढ़िया रिकवरी होगी उस बच्चे की, और बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर ट्रीटमेंट शुरू करना कर दिया है तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वरना डेफिनेटली वरी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के जब ज़ख्म बनना शुरू होते हैं तो बहुत बारी होते हैं, वो पूरी की पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। इस बच्चे को मैंने 15 दिन पहले चेक किया था, तब इस पर कोई भी इस तरह का ज़ख्म नहीं था, तो आप ये देखिए कि पिछले 15 दिन में इसकी बॉडी पे 5 जगह बड़े बड़े पैचेस आ गए हैं। अब इसको ये हमने रब कर दिया, क्लीन कर दिया सेवलॉन से, अब मैं इसे ड्राई कॉटन के साथ में ड्राई कर दूंगा, बीटाडीन के साथ में इसकी टचिंग करनी है, अपने डॉक्टर को पूछ के एंटीबायोटिक देना है, अगेन बात कर रहा हूँ डॉक्टर से पूछ के एंटीबायोटिक देना है। डोज जो है हर बच्चे की अलग रहती है, बॉडी वेट के हिसाब से और उसकी ग्रोथ के हिसाब से। आप अपने घर में अपने बच्चे को अगर इस तरह की कोई इलनेस आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न रहता है, बहुत बारी होता है कि हम अपने फर बेबी को गीली जगह में बैठने देते हैं, एक चीज़। दूसरा, हम अपने फर बेबी को ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर घास वगैरह हो, और आजकल बरसात है, मुमकिन है घास से एलर्जी हुई हो, कोई ना कोई कई बार होता है इंसेक्ट बाइट हो गया कुछ भी, तो वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। आई होप ये जो वीडियो बनाया है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप अपने फर बेबी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को मिस नहीं करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, साईं दया करेंगे मुझ पे, आप पे, सारी दुनिया के फर बेबीज पे, इस प्यारी सी लाडो पे, इसकी फैमिली पे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस।